सरकार के साथ हमने समय समय पर अपनी मांगों को रखा है और सरकार इस प्रकार निष्क्रिय हो रखी है कि हमारी किसी भी मांग की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आज ट्रांसपोर्ट व्यवसाय करना हमारे लिए बहुत बड़ी पीड़ा का विषय बन गया है। जो सरकार डीजल के नाम पे सत्ता में आई थी, आज वो डीजल वृद्धि लगातार कर रही है, जबकि सरकार ने GST लगाया। सब ट्रांसपोर्टरों ने, हमारे व्यवसायियों ने GST का स्वागत किया, नोटबंदी का स्वागत किया, सरकार का साथ दिया, पर उसी सरकार ने इस डीजल को GST से बाहर कर दिया। पहली मांग तो हमारी है। दूसरी मांग, हम टोल फ्री इंडिया की करते हैं। आप अपनी कैलकुलेशन लगा लीजिए, सरकार से बार बार बोल दिया गया कि आपको जो राजस्व टोल टैक्स से मिल रहा है, आप उतना टोल टैक्स हमारी सब गाड़ियों पे लगा लीजिए, साल में एक बार टोल टैक्स ले लीजिए। अब क्या कदम उठाने जा रहे हैं आप लोग? अभी जो हमारा कदम है, 30 तारीख से हम अनिश्चितकालीन चक्का जाम पे जा रहे हैं। पूरे देश में प्रदेश वाइज हमारे सब पदाधिकारी जा रहे हैं, सब यूनियनों से, ट्रांसपोर्टों से अपील कर रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं, और हम 20 तारीख से सुबह 6 बजे से पूरे भारत में देशव्यापी अनिश्चितकालीन चक्का जाम करने जा रहे हैं। पहले तो डीजल वृद्धि, जो हर रोज डीजल बढ़ाया जा रहा है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। कितना आप कभी 1 रुपया बढ़ा रहे हैं, कभी 2 रुपये, ये 4 साल में लगभग 15 रुपये डीजल बढ़ चुका है। यही सरकार पहले विरोध करती थी, अगर 50 पैसे बढ़ते थे तो सरकार सड़कों पर आती थी, विपक्ष पार्टी थी उस समय, और मोदी जी खुद विरोध करते थे। आज मोदी जी या कोई भी मंत्री हमारी तरफ, हमारे व्यवसाय की तरफ नहीं देख रहा है। हमें उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए था। हमारा इतना बड़ा उद्योग है जो पूरी दुनिया, अपने भारत को चला रहा है, आर्थिक व्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान हमारा है। सबसे ज़्यादा टैक्स हम देते हैं, रेवेन्यू सबसे ज़्यादा हम दे रहे हैं, उसके बाद भी हमारा सड़कों पर और अपने उद्योग में उत्पीड़न किया जा रहा है सरकार के द्वारा। इसलिए हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने, ये गैर राजनीतिक संगठन है, इसका कोई किसी राजनीति से मतलब नहीं है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर अनिश्चितकालीन चक्का जाम की घोषणा करी है, जिसमें हम सहयोग मांगने आए हैं। कितनी मांगे हैं आप लोगों की? हमारी 6 मांगे हैं। डीजल वृद्धि की है, दूसरा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का है, तीसरा टोल प्लाजा का है, और एक GST ईवे बिल, जो इन्होंने मन मर्जी से हमारे ऊपर अगर छोटी सी भी एक कमी होती है तो उसके अंदर गाड़ी को सीज कर दिया, दुनिया भर का जुर्माना लगा देते हैं, 3-3 लाख रुपये, एक शब्द भी अगर मात्रा भी गलत होगी तो 3 लाख रुपये जुर्माना है। तो एक रोड सेफ्टी बिल का है, यही हमारी मांगे हैं। इन मांगों को लेकर हमने सरकार के सामने रखा है पहले। अनिश्चितकालीन जाएंगे? हाँ, 20 तारीख से अनिश्चितकालीन है। अगर सरकार हमारी इससे पहले बात मानती है, ठीक है, नहीं सुनती, तो 20 जुलाई से सुबह 6 बजे से हमारा चक्का जाम रहे।